नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भोपाल में एक मासूम के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग ने 3 साल की बच्ची को अपनी मस्त का शिकार बनाया। नौने के बहाने वो बच्चे को एक दुकान में ले गया और वहां रेप की कोशिश की। जब वो उसमें सफल नहीं हुआ तो बच्ची के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। आरोपी पहले भी कई बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत कर चुका है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना थाना अशोका गार्डन इलाके की है। हाँ, आज कॉलोनी में 58 साल का आरोपी मोहल्ले में रहने वाली 3 साल की बच्ची को खिलाने के बहाने उसके घर के सामने बंद पड़ी एक दुकान में ले गए। पहले बच्ची के साथ रेप की कोशिश की, रेप नहीं कर पाया तो उसने मासूम के साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। मोहल्ले की एक महिला गायत्री भास्कर ने उसकी हरकत देख ली। उन्होंने शोर करके मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। इसी बीच एक अन्य महिला विजया पाटिल ने डायल 100 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। अशोका गार्डन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को मुक्त कराया और आरोपी को कस्टडी में लिया। बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी पर धारा 363, 376, 377 IPC और 5x6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।